हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, ये कहानी है एक अमीर आदमी का। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था, उसका एक बेटा था और उसका बेटा को बैड हैबिट को लेकर के, बुरी आदतों को लेकर के बहुत परेशान रहता था। तो उनको पता चला कि गांव में एक साधु आए जो लोगों का मदद कर रहे। बोल रहे मैं अगले दिन जाऊँगा और साधु से बात करूँगा। तो साधु के पास गए और बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो इसका क्या सोल्यूशन? बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप अपने बेटे को कल जो है सुबह को भेज दीजिए, ठीक है ना? तो बोले ठीक है, मैं भेज दूंगा। तो अगली सुबह जो है उनका बेटा आया और बोले चलो हम लोग घूमने चलते हैं। और घूमने के लिए गए तो बगीचे में जब वो लोग जा रहे थे तो एक छोटा सा पौधा आया। तो बोल रहा बेटा क्या तुम इस पौधा को उखाड़ सकते? तो जो लड़का था बोला हाँ बहुत आसानी से। वो गया और तुरंत उसको उखाड़ लिया। फिर कुछ दूर और गया, फिर बोला क्या तुम इसको उखाड़ सकते? बोला हाँ इसको मैं उखाड़ सकता हूँ। अब क्या हुआ, उसको भी उसने उखाड़ लिया। थोड़ा सा वक्त लगा, मेहनत लगा और उसको भी उखाड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़े दूर और गया तो एक थोड़ा बड़ा सा मिला। तो बड़ा सा मिला तो बोले क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो? बोला ट्राई कर सकता हूँ। तो काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी दिमाग लगाया, बस उसको उखाड़ नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा था। तो बोलो ठीक, ऐसा ही होता जब हम लोग बुरी आदत हमें मतलब लगता है या हम लोग बुरी आदतें का शिकार होते हैं या कोई हमें बैड हैबिट आता है। तो जब शुरुआत में होता तो हम लोग उसे बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। जब वो पुराना हो जाता तो थोड़ा सा वक्त लगता है उस आदत को छोड़ने के लिए। दोस्तों ठीक वैसे ही अगर आपके अंदर भी कोई बैड हैबिट है तो आप बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। बस इन टिप्स को फॉलो करें और शुरुआत में ही आपको भी पता है कि बैड हैबिट आपके लिए क्या क्या है। तो बस उसको छोड़िए और लाइफ में पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए और लोगों को भी मोटिवेट करते रहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।